Hi friends, welcome back to Everstudy Classes. In today's 5-minute series, we will be covering the alternative model to 4Ps of marketing, which is 4C, proposed by Robert Lauterborn. Friends, exam pass aa chuke hain, so buckle up and quickly visit our website for the unit summary, commerce and management students ke liye, or you can have access to the unit-wise past papers which are solved and explained, or you can also go through the mock test which is related to the actual exam pattern, or you can also have access to the new video courses for commerce students. In the year 1990, Robert Lauterborn ne 4C's of marketing proposed kiya, which was an alternative to Jerome McCarthy's 4P's of marketing mix. 4P's are product, price, promotion and place. To jo 4P's ka model tha, 4C lane ka reason kya tha? Well, the 4P's model was producer oriented, jo ki kafi criticized kiya gaya. And then 4C's model was introduced, jo customer centric tha. और इसमें फोकस वाज ऑन निश मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ मास मार्केटिंग. निश मार्केटिंग अलाउज टू डेवलप कॉन्वर्सेशंस दैट आर ऑलमोस्ट वन टू वन, अनलाइक मास मार्केटिंग. तो क्या है ये 4C's? फर्स्ट, कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, जो कि 4P से प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है. नेक्स्ट सीरीज, कॉस्ट, कॉस्ट टू सैटिस्फाई, विच इज इक्विवेलेंट टू प्राइस. Then it is convenience to buy, जो similar है place के. And the fourth C is communication, which is equivalent to promotion. चलिए detail में जानते हैं इन सारे C को. First C is consumer wants and needs. इस model के हिसाब से company को वही product sell करने चाहिए जो customer लेना चाहता है. That is what the customer wants to buy. और ये पता कैसे चलेगा कि उनको क्या चाहिए? Well, proper research से. Proper research से पता लगाना चाहिए कि customers की wants and need क्या है. And once this is clear, company should focus their efforts on attracting customers one by one with irresistible offers. The product is at the core of any marketing effort. जो product हो, वो customers के needs and pain को solve कर सके. And to eliminate the competition, it must be unique. सबसे अच्छा वे है to unlock and untap a market, जिस aspect को consider ही नहीं किया है अभी तक किसी ने. And then develop a product for that market. Aim होना चाहिए to understand the value that the product delivers to the customers, both through the eyes of the developer and consumer. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपर अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना के दिया जा रहा है जो कंज्यूमर को चाहिए भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, नोकिया. नोकिया वॉज मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बट इट वॉज फेलिंग टू सैटिस्फाई द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. द नेक्स्ट सी इज कॉस्ट. इट इज सेड दैट कॉस्ट ना सिर्फ प्राइस इंक्लूड करता है जो कंज्यूमर्स पे करते हैं गुड्स खरीदने के लिए, बट वो और भी एलिमेंट्स इंक्लूड करता है विच आर रिलेटेड टू सैटिस्फाइंग कंज्यूमर्स नीड्स. सो व्हाट आर दीज एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड विच कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट? वेल, फर्स्ट इज टाइम स्पेंट अक्वायरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस. आप अपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो या नीड फुलफिल करना चाह रहे हो, सो विच इज द सूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू इट, उसको ढूंढने में जो टाइम स्पेंड हुआ. देन द कॉस्ट ऑफ कंसाइंस, विच इज रिलेटेड टू कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट. आप जिस पर्पज से इस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे थे, क्या वो पर्पज सॉल्व हुआ? देन कॉस्ट ऑफ चेंज और इम्प्लीमेंटेशन, द टाइम एफर्ट आपका जो लगा टू यूटिलाइज दिस न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, द कॉस्ट इन्वॉल्व विद इट, एंड द कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू नॉट सेलेक्टिंग कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और सर्विस, विच मीन्स आपका प्रोडक्ट कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ओवर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. कॉस्ट टू सैटिस्फाई कस्टमर्स, जब ओवरऑल कॉस्ट को कंसिडर करता है तब वो वैल्यू बढ़ाता है, ना सिर्फ कंपनी का बट प्रोडक्ट का भी. और ये लेटर प्राइजेस बढ़ाने में हेल्प कर सकता है बिकॉज द वैल्यू एक्सचेंज हैपन्स सूनर. थर्ड सी इज कम्युनिकेशन, विच इज सिमिलर टू द प्रमोशन ऑफ 4P's.
प्रमोशन वन वे रिलेशनशिप है जिसमें कंपनी सिर्फ अपने बारे में या प्रोडक्ट को ही कंसिडर करती है बट कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स अ मच ब्रॉडर फोकस ऑन द एंटायर बाइंग एक्सपीरियंस। इसमें कम्युनिकेशन टू वे है जो कि कंपनी एंड कंज्यूमर के बीच होता है। इट्स अ प्रोसेस दैट इज लेड बाय द बायर और ये इवॉल्व हुआ है विद द ग्रोथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ कंज्यूमर्स की नीड एंड चैलेंज को कम्युनिकेट किया जाता है एंड दिस कम्युनिकेशन मस्ट बी बिल्ट एंड डिजाइंड फॉर अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। द नेक्स्ट सी इज कन्वीनियंस टू बाय विच इज अबाउट द एक्सेस टू द प्रोडक्ट। गए वो दिन जब मम्मी पापा के साथ घंटों लगते थे शॉपिंग करने में क्योंकि इट इन्वॉल्व्ड ट्रैवलिंग टू द शॉप, आइटम्स ढूंढना, देन लाइन में लग के बिल पे करना एंड ऑल। टुडे अ कस्टमर इज नॉट बाउंड टू बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अ फिजिकल लोकेशन। दे आर नॉट लिमिटेड टू फ्यू प्लेसेस, ऑप्शंस काफी सारे हैं स्पेशली ऑनलाइन। कन्वीनियंस ईज ऑफ बाइंग प्रोडक्ट पे फोकस करती है। द कन्वीनियंस सेगमेंट इन 4C's ऑफ मार्केटिंग फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द बाइंग एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ बिग बास्केट जो कि बाइंग ऑफ ग्रॉसरी, डेली नीड प्रोडक्ट और वेजिटेबल्स को काफी ईजी एंड कन्वीनियंट बनाता है। सो दीज वर द 4C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स जिसके बेनिफिट्स के लिए one company will have to apply it to the business. So if you have understood the concept of 4C's, let me know the answer for this practice question. Thank you so much friends for watching this video. Do like and share it and also do subscribe to our channel for more preparation tips and topics for the upcoming exam. For any query, you can mail us at hello@everstudy.in. You can also follow us on Facebook and Telegram for various updates. You can also WhatsApp or call us. For the paid and free courses, you can visit our website that is www.everstudy.co.in or you can stay connected with us anytime through our learning app.